नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रेशम खान और स्वागत है आप सभी का N27 न्यूज में। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के कुछ दिनों बाद ही ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट पर एक ऑब्जेक्ट पाया गया था जो आम लोगों और वैज्ञानिकों के बीच चर्चा का विषय बन गया था। उस वक्त ये कहा गया था कि ये रहस्यमय चीज चंद्रयान 3 अभियान से जुड़ी हो सकती है। हालांकि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी ने इसे खारिज कर दिया था। अब ऑस्ट्रेलिया की अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि समुद्र तट पर मिले ऑब्जेक्ट का संबंध भारत से है। वहीं आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया की अंतरिक्ष एजेंसी ने सोमवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट में लिखा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ज्यूरियन खाड़ी के पास समुद्र तट पर बहकर आई वस्तु भारत के PSLV के तीसरे चरण का मलबा है। ऑस्ट्रेलिया एजेंसी ने आगे लिखा कि मलबे को सुरक्षित रखा गया है और वो इसरो के साथ मिलकर इसके उचित निपटान के लिए काम कर रही है। वही ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी ने मलबे की जो तस्वीर साझा की है उसमें समुद्र तट पर एक बड़ा सा कांस्य रंग का धातु सिलेंडर नुमा ऑब्जेक्ट पड़ा दिख रहा है। ज्यूरियन खाड़ी के पास रहने वाले स्थानीय निवासी ग्रार्थ ग्रिफिक्स ने ऑस्ट्रेलिया के एक चैनल को बताया कि वस्तु की लंबाई लगभग 10 फीट और चौड़ाई 8 फीट है। वही पहले कयास लगाए गए थे कि ये मलबा 14 जुलाई को लॉन्च हुए चंद्रयान 3 से जुड़ा हो सकता है। चंद्रयान की लॉन्चिंग में PSLV रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि इन दावों को तुरंत ही खारिज कर दिया गया क्योंकि मलबे पर भारी मात्रा में समुद्री जीव लिपटे हुए थे। ये दिखाता है कि ऑब्जेक्ट हाल का नहीं बल्कि महीनों से समुद्र में पड़ा था जो अब तैरते हुए तट पर आ गया है। वहीं आपको बता दें, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की इंजीनियर एंड्रिया बॉयड ने कहा था कि उनके सहकर्मियों का मानना है कि हिंद महासागर में मिली ये वस्तु भारतीय रॉकेट का हिस्सा है जो किसी सैटेलाइट को लॉन्च करते वक्त गिर गया है। एक चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि ऑब्जेक्ट के आकार और बनावट को देखते हुए हम बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं कि ये एक भारतीय रॉकेट का अपर स्टेज इंजन है जो कई तरह के मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं आपको बता दें, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा था कि ये भारत का हो भी सकता है और नहीं भी। एजेंसी की तरफ से कहा गया था कि तब तक वस्तु का परीक्षण नहीं हो जाता, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती कि ये हमारा है या नहीं। तो अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे N27 न्यूज। आप देख रहे हैं N27 न्यूज, पकड़ हर खबर पर।